अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका दोस्त जफरुद्दीन और आप देख रहे हैं हैदराबाद टुडे न्यूज। टाइम्स का एडिटोरियल लिखता है कि पूरे जमहूरी मुल्क को मिलकर, मुमालिक को मिलकर इस कानून के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप ये क्या कर रहे हैं? आखिर नरेंद्र मोदी को इतनी नफरत क्यों है उनसे? क्या किया हमने बताओ? हमने बिना के पैगाम को ठुकराया। नदी का मसकर हुआ सामने, लाशें पड़ी थी खेतों में। हमने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। हाशिमपुरा में नदी के किनारे ले जाकर 40 लोगों को गोली मार दी गई। हमने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। मरियाना का फसाद, हमने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। शेख यासीन को सर पे गोली लगी मल्लत अली के पास, हमने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, हमने अपनी मस्जिद के गम को दबा कर रखा मगर मुल्क से वफादारी की, कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दिल बंबई की सड़कों पर फसाद हुआ। सोचो जो लोग आज हम पर शक कर रहे हैं, मैं हमारे हिंदू भाइयों से कह रहा हूं, मेरी दास्तान को भी सुनो, तुम मेरे गम को समझो। आप ये नवंबर दिसंबर 92 जनवरी 93 में, उसके बावजूद भी हमने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। मुजफ्फरनगर हुआ, हमने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। 2002 गुजरात हुआ, हमने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज भी कहे और कल भी कहते रहेंगे, मगर तुम शक कैसे करते हो इख्तदार की कुर्सियों पर बैठकर? ये मेरी शिकायत है तुमसे, ये मेरी शिकायत है कि सच्चर कमेटी झूठी है, कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन झूठी है, कि कुंडू कमेटी रिपोर्ट झूठी है, कि एनएसएसओ का डेटा गलत है, कि सेंसस 2011 का डेटा गलत है। बताओ क्या करूं मैं? क्या तुम उम्मीद करते हो मुझसे? बताओ, मैं एक पत्थर की तरह ठहरा रहा हूं और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं पहाड़ हूं जो कोई मुझे नहीं ला सकता, याद रखो। और हम पहाड़ क्या है? हम भारत का बुनियादी पत्थर हम है। भारत का बुनियादी पत्थर मैं हूं, भारत का बुनियादी पत्थर तुम हो, भारत का बुनियादी पत्थर हम सब है। बुनियाद तो हम इनमें नहीं देंगे क्योंकि हम पत्थर हैं बुनियाद। इस मुल्क की बुनियादों में हमारा खून है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जुद्दोजहद को जारी रखना पड़ेगा। ये सिर्फ एक दिन दो दिन की जुद्दोजहद नहीं, अब तो लोगों की जानें भी चली गई हैं और जो बच्चे मारे गए हैं हिंदुस्तान के वजीर आजम, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अगर नरेंद्र मोदी की सरकार सही फैसला ले लेती है तो बहुत अच्छा है। आप सिर्फ वजीर आजम इतना कर दीजिए कि रिलीजियस माइनॉरिटीज, जो आपने लफ्ज लिखा, लफ्ज रिलीजन को निकाल दीजिए, लफ्ज रिलीजन को निकाल दीजिए। किसी भी मुल्क की माइनॉरिटी लीजिए आप। मैं मानता हूं पाकिस्तान में जुल्म होता है, मगर पाकिस्तान से मुझे क्या करना है? अफगानिस्तान से मुझे क्या करना है? बांग्लादेश से हमको क्या करना है? यकीनन जुल्म होता है म्यांमार में, जुल्म होता है श्रीलंका में, जुल्म होता है साउथ एशिया में, हर जगह पर आप लीजिए। मगर मजहब के नाम पर कानून बनाना ये गलत है। और फिर ये 2030 दिसंबर 2014 की तारीख क्या है? ये एनपीआर क्या है? ये लोग एनपीआर के बारे में बोलते नहीं, नहीं, जो कोई भी भारत का शहरी है बशमूल मुसलमान, उसको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरा सवाल ये है कि तुम कौन होते डिसाइड करने वाले कि मैं शहरी हूं या नहीं हूं? तुम फैसला तुम करने वाले हो, तुम्हारा ऑफिसर करने वाला है। मेरे भाई, ये एक काला कानून है,
ये NPR गलत है, NRC गलत है। हिंदुस्तान के वजीर आजम जानते हैं कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी बर्बादी के दहाने पर आ चुकी है। GDP 4% से कम हो चुका है, GST कलेक्शन गिर रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। आजादी के बाद सबसे ज्यादा बेरोजगारी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे इख्तदार में। हर एतबार से मुल्क में परेशानी है गरीबों को, खाने को खाना नहीं है, नौकरियां जा रही है, सब परेशान है। मगर वजीर आजम जो दिल्ली के सल्तनत के बादशाह है, तो बादशाह ने फैसला किया कि नौकरी की बात नहीं होगी, बैंक के डूबने की बात नहीं होगी, GST के बात नहीं होगी, लोगों के पास पैसा निकालने हो उसकी बात नहीं होगी, बात होगी मजहब की। और जब बात मजहब की करते हैं तो लड़ाई इसलिए होती है कि देश को बचाना है। यकीनन मैं मुसलमान हूं, मुझे फख्र है इस बात का, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये मुझे इजाजत देता है कि अपने आप को मुसलमान और दीन पर रखूं। और अगर कोई कहेगा कि मैं कोई दीन को मानता भी नहीं हूं, तो मैं उससे कहूंगा कि मैं आपकी इज्जत करता हूं। अगर कोई कहेगा कि मैं हिंदू हूं, मैं कहूंगा बिल्कुल रहो आप, आपको हिंदुस्तान का आईन मजहब पर चलने की इजाजत देता है। मगर ये कौन सा कानून कि आप मुझे दूर कर रहे हैं, मुझे दूर कर रहे हैं, हमको दूर कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस लड़ाई को जारी रखना है, इसको जमहूरी तरीके से हैविंग सॉलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इंटू अ सॉवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी Assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. ये हमने संविधान का यह हल्फ अभी खत्म नहीं हुआ, कई को सारे तुम लोग बैठो थक गए बैठो, अभी तो वार्म अप हुआ नहीं। कल को गिरने पा रहा है शाम को पिछले होते गड़ा। मेरे भाई, मैं आपसे अर्ज कर रहा था, ठहर जाओ, ओ ओ बैठ 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 बैठ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमने ये बात भी आज हमने एक रेजोल्यूशन भी बनाया है इस मीटिंग में, और हम इस जलसे के जरिए मैं चीफ मिनिस्टर तेलंगाना का शुक्रिया अदा करता हूं कि के चंद्रशेखर राव ने शरीयत तरमीमी कानून के खिलाफ उनकी पार्टी ने लोकसभा में वोट दिया, राज्यसभा में भी वोट दिया। मैं के चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा करता हूं, उनको थैंक यू कहता हूं। यह आसान बात नहीं है, यह आसान बात नहीं है। आजूज माजूज के दौर में के चंद्रशेखर राव और उनकी पार्टी ने जो मौकफ लिया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बल्कि मेरी जब चीफ मिनिस्टर से बात हुई थी तो चीफ मिनिस्टर ने मुझसे कहा कि मैं हरगिज इस बात को बर्दाश्त नहीं करता सत साहब
कि हिंदू और मुसलमान के नाम पर कोई काम हो। मैं केसीआर की इस बात का खैर मुकदम करता हूं, यह आसान बात नहीं है। मैं जगनमोहन रेड्डी जो मेरे दोस्त अभी भी हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि जगनमोहन रेड्डी साहब, आप भी छोड़ दो साथ बीजेपी का, आप अपने डिसीजन को रिकंसिडर करिए। आप, मैं जानता हूं आपको रियासत चलाना है, मगर जब भारत को बचाना है, जब भारत मजबूत होगा तो रियासत बचेगी ना। ये लड़ाई भारत की रूह के लिए है, ये लड़ाई आप जैसे नौजवानों के मुस्तकबिल को अच्छा रखने के लिए है। मैं गुजारिश करता हूं आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से भी कि वो रिकंसिडर करें। मैं गुजारिश करता हूं हमारे तेलंगाना के वजीर आला जनाब के चंद्रशेखर राव साहब से कि वो जिस तरह केरला की हुकूमत ने नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर पर स्टे लगाया, हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि आप भी केरला की जो गवर्नमेंट है उनसे रابطہ पैदा करें। और जिस तरह एनपीआर पर उन्होंने स्टे लगाया, ये हम उम्मीद करते हैं कि केसीआर भी इंशाल्लाह इस तरह का इकदाम करेंगे। तीसरी बात यह है कि आज का ये जलसा हिंदुस्तान के तमाम यूनिवर्सिटीज में जो तालिबे इल्म एहतजाज कर रहे हैं, हम उनका साथ देते हैं, हम आपके साथ हैं इंशाअल्लाह ताला। और हम जामिया मिलिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो बर्बरियत हुई उसकी मजम्मत करते हैं, और उन पुलिस वालों के खिलाफ एक आला आजादना इंक्वायरी के बाद उन पर एक्शन लेना जरूरी है। और हम इस बात का मुतालबा भी करते हैं कि जो मुकदमे आयद किए गए उन मुकदमों को भी वापस लिया जाए। अगर कोई एहतजाज कर रहा है तो कोई गुनाह नहीं कर रहा है। हम मरकजी हुकूमत से, नरेंद्र मोदी वजीर आजम से मुतालबा करते हैं कि आप उन केसेस को वापस लीजिए। हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से इस बात का मुतालबा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो जुल्म हो रहा है पुलिस फायरिंग के नाम पर, उसको खत्म किया जाए, उसको बंद किया जाए। मासूम बच्चों को गोलियां लग रही है। हम तशद्दुद की, वायलेंस की मजम्मत करते, उसको कंडम करते। और हमारा मानना यह है कि ये जो प्रोटेस्ट पूरे मुल्क में हो रहा है, ये उसी वक्त कामयाब होगा जब तशद्दुद नहीं होगा। याद रखो मेरी बात को। और तशद्दुद उस वक्त भी नहीं होगा जब हम दुश्मन की चाल में ना फंस जाए। तो ये, और साथ ही साथ हम इस बात का फैसला करते हैं कि 30 जनवरी को, आने वाली 30 जनवरी 2020 को महात्मा गांधी को गोली मारने का दिन था। उस दिन और 23 मार्च 2020 को भी 2020 को भगत सिंह की शहादत का दिन है। 14 अप्रैल बाबा साहेब अंबेडकर की पैदाइश का दिन है। ये तीनों दिन को, ये तीनों तारीख को हम कॉन्स्टिट्यूशन सेफ डे मनाएंगे। महात्मा गांधी को जिस दिन गोली मारी गई, जिस दिन भगत सिंह की शहादत हुई, जिस दिन बाबा साहेब अंबेडकर पैदा हुए, उस दिन को हम सेफ कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाएंगे। हम सेफ कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाएंगे। और ये बचेगा तो मुझे मसावात मिलेंगे, ये बचेगा तो मुझे मजहबी आजादी मेरी बरकरार रहेगी, ये बचेगा तो मेरी आने वाली नस्ल को तरक्की के मौके मिलेंगे, हम लड़ सकेंगे। अगर ये नहीं बचेगा तो फिर इस मुल्क में डिक्टेटरशिप हो जाएगी। ये लड़ाई इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की। और जो लोग हम पर तनकीद कर रहे हैं, हम मुसलमानों पर गालियां दे रहे हैं, उंगलियां उठा रहे हैं, अरे क्या अल्लाह ने तुमको अकल नहीं दी कि आइसिस इतना बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन,
सारी दुनिया से लोग गए, कितने गए भारत से, कितने गए भारत से, 50-60 जो लोग आईसिस का रिक्रूटमेंट करते हैं वो असदुद्दीन ओवैसी के दुश्मन हैं, जो लोग आईसिस की सोच रखते हैं वो जाफर पाशा के दुश्मन हैं, जो बगदादी को हीरो मानते हैं वो पांडुरंगा रेड्डी को विलन मानते हैं, जिन्होंने इंसानों के गले काटे वो हमारी जबानों को बंद करना चाहते हैं। आज ये सरकार क्या कर रही है, क्या कर रहे हैं आप? 17.5 करोड़ की आबादी का बच्चों का खेल है, शखम पर किया जा रहा है। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मायूसी पैदा की जा रही है नौजवानों के दिलों में। मैं नौजवानों से कह रहा हूं कि मायूस मत हो, हमारा मुस्तकबिल अच्छा होगा इंशाअल्लाह ताला। ऐसे 56 नरेंद्र मोदी अमित शाह आएंगे, भारत का कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। हम यहां पर 22 शहरी थे और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर ये लोग इस तरह की हरकतें करके क्या पैगाम दे रहे हैं आप? जिन गंदगियों को हमने पनपने नहीं दिया उसको खत्म कर दिया, क्या कर रहे हैं आप? पूरे बैनुल अक़वामी सतह पर